हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर सरदार 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मेरे साथ है सोनू सर। सोनू सर आ जाओ। हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज हम इकट्ठे हुए दोनों पहली बार है ना, फॉर द इतिहास ऑफ द यूट्यूब की एसएससी आईएमडी के ऊपर हम एक चर्चा करेंगे कि कैसे हम किस पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करें। सो आपको पता है ये नॉन टेक्निकल टेक्निकल सोनू सर दोनों आ रहे हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। नॉन टेक्निकल की बात करें तो गाइस 200 मार्क्स मतलब 25-25 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस, मतलब एक तरह से ये एसएससी का सर ट्रेंड है। हाँ बिल्कुल, वही वाला पैटर्न, सेम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वही सेम पैटर्न हुआ है फॉलो। बस इसमें एक्स्ट्रा मार्क आ गया है आपका पार्ट टू। पार्ट टू में आपका टेक्निकल वो सोनू सर बताएंगे आपको। नॉन टेक की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो जैसे हम बात करें रीजनिंग की तो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इसी को हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोल सकते हैं, इसके भी 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। जनरल लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक जनरल लैंग्वेज पूछी जाएगी इंग्लिश की, वो आपके 25 क्वेश्चंस। एंड लास्ट इज द जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक वाला पोर्शन और प्लस करंट अफेयर्स भी इसमें देखने को मिलेंगे, है ना, वो भी आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल अगर बात करें तो यहां से 100 क्वेश्चंस या फिर 100 मार्क्स हम बोल सकते हैं यहां से देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर पार्ट टू की बात करें तो वो पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है। लेकिन इसमें अगर हम बाइफर्केशन की बात कर रहे हैं टाइम की, कि टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, वो है 120 मिनट, पूरे के दो घंटे होंगे। सो आप किसी पे भी स्विच कर सकते हो। बट ये डिलेमा होगा बच्चों के मन में कि हम सर पहले सेक्शन ए को करें सर कि सेक्शन बी को करें। तो मेरे अकॉर्डिंग में सर मैं थोड़ा सा बच्चों को बता देता हूँ कि अगर आप पेपर वन को स्टार्ट करते हो सपोज पहले, तो पेपर वन में क्या है आपके पास 4 सेक्शन है सर, तो 4 सेक्शन में आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सपोज करो जीएस से स्टार्ट करते हो, यानी कि जनरल अवेयरनेस से, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है सर कि स्टार्टिंग जैसे हुई पेपर की तो होचपोच होता है माहौल, बिल्कुल, है ना, कोई इधर से चिल्ला रहा है कोई इधर से चिल्ला रहा है। तो शुरुआत में अगर आप जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करते हो और स्किप करते हुए क्वेश्चंस को बढ़ते हो, है ना, तो मैं ये मानता हूँ कि आप अच्छे अटेम्प्ट करोगे और एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो 200 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट है, सिर्फ 2 ही घंटे दिए हुए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है सर। तो आप पहले बच्चों को ये बता दो पेपर टू को कैसे अटेम्प्ट करें वो फिजिक्स के सेक्शन को। बिल्कुल सर, देखिए फिजिक्स जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं इसका मतलब उनका कोर सब्जेक्ट फिजिक्स है। एग्जैक्टली सर। और दूसरा उनको फिजिक्स में एक चीज क्लियरिटी रहती है सर, कि या तो आता है या नहीं आता। एग्जैक्टली, मतलब ये क्वेश्चन को देख के आप अंदाजा लगा लो कि ये 10% क्वेश्चन है हमें छोड़ने हैं, ये 10% ऐसे हैं जिन पे सीधे आपको आंसर याद होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फिजिक्स में हम कितना टाइम लेके चले, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 60-65 मिनट आपके लिए सफिशियंट है। तो बचा हुआ सर 60 मिनट इसमें देना पड़ेगा। हाँ, बाकी इसमें, क्योंकि देखो थोड़ा सा टाइम हमें इसमें से निकाल के सर यहाँ देना पड़ेगा। इसमें से और इसमें से निकाल सकते हैं हम सर। हाँ, इंग्लिश में से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। इसमें करना क्या है कि पहले आपको अटेम्प्ट करना जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, यस और नो वाले, क्योंकि उसके बाद एक आप न्यूमेरिकल में अगर आप अटक रहे हैं, आप छोड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि ईगो हर्ट हो रही है आपकी, तो वहां फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले थ्योरी सारे अटेम्प्ट कर लो, 50% अटेम्प्ट हो गया आपका, फिर उसके बाद जो जो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अगर एक क्वेश्चन में आप 40 सेकंड में रिजल्ट तक नहीं पहुंच रहे हो उसे स्किप कर दीजिए। बिल्कुल, चाहे वो कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए। और आपको ये नहीं कि 100 out of 100 आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी है, ना ही आप कर पाओगे, दोनों चीजें हैं। बाकी सर इनके बारे में आप। तो गाइस, जैसा सर ने भी एक्सप्लेन कर दिया अपना टेक्निकल वाला पोर्शन फिजिक्स का, तो स्टार्टिंग आप नॉन टेक से करना। नॉन टेक में भी मैं स्पेशली बता दिया जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को फास्ट करना है ना, विद एक्यूरेसी। इसकी बात मतलब आता है तो करना, नहीं तो स्किप तुरंत, है ना। ईगो पे नहीं लेना है कोई भी क्वेश्चन कि हाँ मैंने बहुत सारा पढ़ के गया हूं मैं तो करके मानूंगा, है ना। सेम आप रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से जो भी आपका पोर्शन अच्छा है उस पर आप स्विच कर जाओ, जो नहीं है उसको थोड़ा लास्ट में कर लो, देन स्विच टू द टेक्निकल पोर्शन आपका, जो भी आपका फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन है, जिस पे भी मूव करना है आप उस पे मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप टाइम को मैनेज करते हो 2 घंटे 120 मिनट, तो मैं मानता हूँ कि आप काफी अच्छे से इंप्रूव कर जाओगे, है ना, और अच्छे खासे अटेम्प्ट आपके हो जाएंगे इसमें। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ही पूरा गेम है ना, तो उसी को थोड़ा टैकल करना है बस आपको। बाकी तो ये चीजें आपने अगर पढ़ ली है तो वेल एंड गुड, आराम से आप टैकल करोगे। सोनू सर एक बार बच्चों को टेस्ट सीरीज का भी बता देते हैं। हाँ बिल्कुल सर, देखो क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम देना जरूरी है। Exactly. वो एक जो प्रेशर रहता है उससे बच पाएंगे बच्चे। हाँ, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो गाइस फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि रेप्लिका होती है टेस्ट सीरीज, है ना, मॉक टेस्ट रेप्लिका होता है एक्चुअल एग्जाम का। तो अगर आपने पहले टेस्ट सीरीज दे के गए हो, आप बहुत सारे टेस्ट दे के गए हो, तो ये मैं मानता हूँ कि आप वहां भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो आपको सर्च क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। फर्स्ट लिंक पे जैसे आप जाते हो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है आपके सामने। फिर आप क्या करो, ऑल कोर्सेज में जाके गेट एंड इंजीनियरिंग पे जैसे क्लिक करोगे,
फिर आपके सामने एक एसएससी आईएमडी का ये दिख रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे जब आप बढ़ते हो तो यहाँ एसएससी आईएमडी की टेस्ट सीरीज ओपन हो जाती है ना, जिसमें अड्डा गोल्ड टेस्ट पैक होगा। इसमें क्या करोगे आप, इसको अगर परचेज करते हो इसमें सारे के सारे आपको ए टू जेड सब चीजें मिल जाएंगी इसमें, है ना। लेने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल सा है। जैसे आप व्यू ऑफर पे जाते हो यहाँ कूपन कोड लगाना पड़ेगा आपको। सोनू सर कूपन कोड बताओ आप बच्चों को। सर कोई भी बता दो एक ही, तो पहले आप बता देते हैं Y575 जैसे आप एक सेकंड, ये भी मना कर रहा है सर, ये भी कह रहा है चेंज करो Y575 जैसे आप अप्लाई करते हो तो देखो यहाँ क्या होगा। अप्लाई करने से आई थिंक कूपन डजंट एग्जिस्ट सर, एस और लगेगा सर, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज है तो एस भी लगाना पड़ेगा गाइस। अप्लाई करो तब जाके आपको डिस्काउंट मिलेगा, और देखो 169 का आपको यहाँ डिस्काउंट मिल जाता है Y75S से, है ना। और यू जस्ट इनरोल 8 to 9 में आप इनरोल कर जाओगे टेस्ट सीरीज में। अभी फायदेमंद ये है कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो अभी, है ना। एक कोड और है जो आपको पता ही है सबको, तो उसमें आपको लगाना है Y516516 उसके आगे S। अप्लाई करोगे सेम टू सेम, इसमें भी सेम डिस्काउंट आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो यहाँ से कूपन कोड, और दोनों में से लगाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप क्लियर होगी बात, ठीक है। सो कूपन कोड लगा लेना Y516 या फिर उसके आगे एस जरूर लगा लेना, बिकॉज यहाँ टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, और अप्लाई कर देना तब जाकर डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट हो जाएगा 169 829 में आप इनरोल कर जाओगे, ठीक है। सो इस तरीके से अभी एसएससी आईएमडी में आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, बाकी टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन कर लो क्योंकि उसी का ही फायदा होने वाला है। बिल्कुल समाप्त करें सोनू सर। हाँ बिल्कुल सर, देखो बाकी ये समझदार हैं, इंजीनियर हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, बाकी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, और हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।